फ्रेंड्स, वेलकम टू 3XL सॉफ्टवेयर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जैसे जो अपन ने कोमो बॉक्स दिया है जिसमें हम सिर्फ अमाउंट में नंबर या डेसिमल ले सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये जो फॉर्म है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एंट्री करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ जाती है। तो एक्चुअल में होना ये चाहिए कि अगर ये अमाउंट का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स और डेसिमल ही आना चाहिए। यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो अगर आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे, यूजर फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके अपन व्यू कोड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कोड टाइप करेंगे। तो आपका समय बचाने के लिए जो है, पहले से मैंने कोड टाइप किया हुआ है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 4 है और यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर होगा की डाउन, ठीक है। को हटा देते हैं, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ऊपर जो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ये जो ओवर आ गया है इसको डिलीट कर देता हूँ और देख लेना कुछ डबल नहीं हो, ये डिलीट कर देते हैं, बाकी सब ओके है, तो रन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर एंट्री करता हूँ तो यहाँ अगर मैं कुछ अलग डालने की कोशिश करता हूँ ये नहीं लेता। हाँ, नंबर अगर मैं डालता हूँ तो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं ताकि अमाउंट में सिर्फ अमाउंट ही आए, अदर कोई वैल्यू नहीं आए। मान लो गलती से कुछ अलग प्रेस हो जाता है तो ये तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम भी मेरे सामने आई थी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने खोजा और आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।